ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है बड़ी बात में। आज हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चलाया गया, जो मुहिम छेड़ी गई पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से, हरियाणा की भूमि से पानीपत से शुरुआत की गई, उसके मनोहर परिणाम सामने आए हैं। चूंकि लिंगानुपात के जो आंकड़े हैं वो काफी हरियाणा के लिए अच्छी बात कम से कम कही जा सकती है कि जिन आंकड़ों को लेकर हरियाणा शर्मसार होता भी नजर आया, और राष्ट्रीय स्तर पर जो कहे की पहचान हरियाणा की रही कि यहां बेटियां सुरक्षित नहीं है, यहां बेटियों को जन्म से पहले मरवा दिया जाता है, उन आंकड़ों में सुधार दिखा है, उसी के राजनीतिक और सामाजिक पक्ष पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। नीलम जी, बेटियां बच रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन बेटियों को सुरक्षा देने के लिए सरकार को तुलनात्मक रूप से गंभीर होने की जरूरत है कि ज्यादा गंभीर हो सरकार? जी, सिर्फ बचाना ही नहीं, उन्हें हर तरह की सुविधा और सुरक्षा देना भी सरकार का एक फर्ज होता है, बिकॉज वी आर ए वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए एट प्रेजेंट हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशंस भी हैं, और करीबन 826 महिला पुलिस जो कर्मी हैं वो वहां पर तैनात भी हैं, और पिछले करीबन जो एक साल में 2301 के आसपास FIR भी दर्ज हुई है इन महिला पुलिस थानों में। आप ये नहीं कह सकते महिला पुलिस थाने कुछ काम नहीं करते, तो करीबन 2300 इतनी तो FIR हुई है, और उनमें से 1817 का निपटान भी हो गया, मतलब उनपे डिसीजन भी हुआ। बहुत सारी ऐसी खबरें भी सामने आई, आप भी पैनल पर इनकार नहीं करेंगे कि बेटियों को मामले को रफा दफा करने के लिए कहीं किसी तरह के संरक्षण के चलते या किसी तरह के कोई भी कारण उसके पीछे रहा हो कि मामले को यही दबा दिया जाए, आप शिकायतें भी ना करें, शिकायतें कर दी गई तो जांच आगे ना बढ़े। देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए ना, 2301 ये, और ये सिर्फ जनवरी से लेकर नवंबर तक का डेटा है। हाँ, इस साल का सिर्फ जनवरी से, और वो भी सिर्फ महिला थानों जी, क्या ये पहलू हो सकता है कि अगर शिकायतों के आंकड़े बढ़ेंगे तो सरकार उसके लिए भी अपनी पीठ थपथपाएगी, क्राइम भी तो बढ़ा है, ये बात भी मानी जाए? नहीं, बिल्कुल। देखो जी, जितना अगर आप मतलब महिला थाने में लेडीज जा भी रही हैं तो क्यों जा रही थी, है क्राइम इतना ज्यादा है कि लेडीज ज्यादातर FIR कराती हैं, और उस पर निपटारा कितनों पे होता है कितनों पे नहीं, ये तो ग्राउंड लेवल ही बताएगा। क्योंकि कई पंचकुला में तो कई मामले ऐसे हैं जो महिला थाने में कोई लेडीज की सुनवाई नहीं होती, तो उनको ऊपर SP तक जाना पड़ता है अपनी एप्लीकेशन लेके। तो मैं तो यही कहूंगी कि क्राइम तो है, ये सरकार इससे मुकर नहीं सकती, इससे पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि आज जितना क्राइम पूरे हरियाणा प्रदेश में है उतना कहीं भी नहीं। अगर गुड़गांव जैसा शहर और पंचकुला जैसे शहर में अगर क्राइम है तो आम छोटे गांव में और छोटे शहरों में तो क्या हाल होगा, या यही लगा लीजिए। भूम सिंह जी, बेटियां बची तो आपने कहा कि कांग्रेस भी काम करती रही, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, क्या लगता है महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े वो भी लंबी प्रक्रिया है कि आपकी सरकार के दौरान भी हुए, बीजेपी के दौरान भी हो रहे हैं? ऐसे जब भी सरकार रही है जी, आज अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही भी हमने की है, तो हमने भी वहां बेटियों का अपमान कभी नहीं होने दिया। कांग्रेस के राज के अंदर भी जो कार्रवाइयां और जो जरूरी आवश्यकता थी, ये एक्शन लेने थे जी, वो हमेशा लिए गए हैं, कहीं भी बेटी का उस समय भी अपमान नहीं होने दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आज गांव में ग्रामीण स्तर पर भी आप देखिए, हाँ, वहां सुरक्षा की कोई वो नहीं, आज स्कूल कॉलेजों के आसपास बहुत वैसा माहौल है कि जो हम अच्छा माहौल नहीं कह सकते, जिसको अभी इसकी और बहुत ज्यादा जरूरत है जी, कि आज बेटियों को और अच्छी सुविधाएं देके। जी, भारत की बात कर लें, 7 दशक से ज्यादा आजादी को हो गए हैं, 50 साल से ज्यादा हरियाणा को हो गए हैं, क्या लगता है अभी भी इन चीजों की जरूरत है कि बेटा बेटी एक समान, ये नारे लगाए जाएंगे, दीवारों पे स्लोगन लिखे जाएंगे, अभियान छेड़ा जाएगा, मानसिकता में जो बदलाव होना है उसमें अभी कितनी जरूरत है बदलाव? मानसिकता बदल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मानसिकता में और बदलाव की काफी जरूरत है ताकि वो अंतिम आदमी के पास तक पहुंचे। अब कुछ गिने चुने या कुछ एलीट क्लास या कुछ मध्यवर्गीय उच्च मध्यवर्गीय लोगों की मानसिकता जरूर बदली है, और जैसा कि कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा, उनके अपने विचार हैं कि समाज की खुशहाली जो है वो सबसे बदसूरत महिला की सामाजिक स्थिति को आप कैसे देखते हैं, हाँ, उस पे आपका समाज की खुशहाली निर्भर। बिल्कुल, तो आज समाज की में जो है ये है कि बदलाव आ रहा है, और उसमें बहुत सारी चीजें, एक चीज का नहीं है, पॉलिसीज भी हैं, सरकार का प्रभावी कदम भी हैं, और सोशल मीडिया पे भी जो अवेकनिंग हो रही है लोगों में, और एक सामने आने भी लगी हैं, ये सारी चीजें एक मानसिकता के बदलाव को ही दिखाती हैं। उसमें ये नहीं है कि कुछ वर्ग, उसमें सारे आ रहे हैं, सोशल मीडिया किसी में भेदभाव नहीं है, वहां अंतिम आदमी और ऊपर वाला आदमी सब इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाँ। तो उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, ये इसका सकारात्मक पहलू है।
और हमें तो खुशहाली उस लेवल तक चाहिए जहां सबसे आखिरी महिला सुरक्षित समझे। बिल्कुल, सुरक्षित हो, महिला सुरक्षा दी जाए। अनिल आर्य जी, अगर तीनों ही पार्टियों की बात कर ली जाए, क्या किसी पार्टी को ज्यादा नंबर दिए जा सकते हैं कि बेटियों को बचाने के लिए कोशिशें ज्यादा की गई थी? ज्योति जी, बात नंबर एक तो यह है कि इसमें ज्यादा जो ये मुद्दा है राजनीतिक नहीं है, सोशल मुद्दा ज्यादा है और ये सोशल उसी प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, लेकिन राजनीति तो राजनीति है, राजनीतिक लोग इस पर भी रोटियां सेकेंगे। मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो सभी का रहा है। इनेलो ने इसकी शुरुआत की थी, कांग्रेस के टाइम भी अच्छा सेक्स रेशियो सुधरा है, लेकिन जो कंक्रीट जो काम किया गया है वो नरेंद्र मोदी ऊपर के आदेश से हुआ है और हरियाणा सरकार ने भी उसमें, खासकर मैं इसमें सबसे बड़ा हरियाणा के संदर्भ में तो डॉक्टर योगेंद्र मलिक जी को मैं आभार प्रकट करूंगा कि उनका इतना इंटरेस्ट है। मैंने 2-3 मुलाकातें उनसे की है, उन्होंने एक एक गांव की डिटेल उनके पास है और डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज, और वो खुद इंटरेस्ट लेके इन चीजों को करते हैं। लेकिन जैसा कि अभी सोशल मुद्दे की बात चल रही थी कि इसका क्या, नहीं आपने ना इसका पूछा था कि राजनीति किसको ज्यादा देंगे, मैं तो इसमें बीजेपी का ज्यादा प्रभाव मानूंगा कि बीजेपी के राज में ज्यादा अच्छा काम हुआ है। सीमा जी, आपका कमेंट? अब देखिए, जो भी सबका अपना अपना पक्ष है, जिसने कैसे भी रखा, पर मैं तो यही कहूंगी कि जो पौधा जिन्होंने लगाया है तो वो किस सोच के लगाया होगा कि ताऊ देवीलाल जी ने पौधा लगाया, आज वो पौधा फल फूल के, मतलब उसको चाहे वो सींचे, कोई आके उसमें और बढ़ा दे कुछ, पर जो लगाया पौधा ताऊ देवीलाल जी, हमारी सरकार ने लगाया था, जो बुढ़ापा पेंशन भी और महिलाओं की सोच और जच्चा बच्चा की खाने पीने की सारी योजना उन्होंने की थी। आप मानते हैं कि स्थिति उस वक्त ज्यादा खराब थी? वही मैं कह, आगे तो मतलब उसको बढ़ा दो चाहे कम कर दो, आगे तो सब जो भी सरकार आएगी वो बेस्ट करेगी, करना चाहेगी भी, हमारी सरकार हम तो चाहे क्या पता उससे अच्छा बेस्ट करे, पर बात हम तो फिर आ जाती है कि मेन है सुरक्षा, लड़कियां अगर बढ़ेंगी तो फर्स्ट पॉइंट है सुरक्षा और उनकी पढ़ाई। ठीक है, सुरक्षा पे भी हम सवाल करेंगे नीलम जी से। नीलम जी, 2016 में भी दावा किया गया था सरकार की ओर से, विभाग की ओर से दावा किया गया कि आंकड़ों में सुधार देखा गया है, फिर आंकड़ों की बाजीगिरी का भी मामला सामने आया कि फर्जीवाड़ा हुआ है किस स्तर पर, खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी स्वीकार किया। मैं यहाँ पे एक कुछ ऐड करना चाहती हूँ। आप एक चीज देखिए, जब हम सामाजिक पहलू की बात करते हैं ना, तो हमारी जनसंख्या का फैलाव भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 सालों में ही करीबन 19% हमारी राज्य की जनसंख्या बढ़ गई है, 2001 और 2011 की अगर हम जनसंख्या का डिफरेंस देखें तो। हाँ। तो जैसे जैसे जनसंख्या का फैलाव भी बढ़ता है एक लिमिटेड एरिया में, और जैसे कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ पढ़ें भी और आगे भी निकलें, तो जब जनसंख्या भी बढ़ती है तो लॉ एंड ऑर्डर हमेशा गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज होता है। सुरक्षा को लेकर मैं अगला सवाल आपसे करूंगी, फिलहाल ये सवाल कि फर्जीवाड़ा हो सकता है क्या आंकड़ों में फिर से? नहीं, इस बार क्योंकि अभी जो है रजिस्ट्रेशन वो ऑनलाइन होता है और इमीडिएटली उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए हैं कि हर एक का रजिस्ट्रेशन हो, लड़कियों का भी और लड़कों का भी, और यही जो डेटा अभी जो झज्जर का है वो एक महीने के अंदर अंदर जो है 1100 लड़कों के ऊपर 920 लड़कियों का पैदा होना, जो जिंदा पैदा होती है उनका, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है और इसी से उन्होंने खुश होकर नेक्स्ट टारगेट जो अपना है वो 950 का रखा है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब उनकी ANM और जो आशा वर्कर्स हैं, जब वो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर रखती हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, उनका फॉलोअप किया जाता है, उनका हेल्थ चेकअप भी होता है, तो वो कहाँ जाती हैं उस पर भी नजर होती है कि कहीं वो किसी इलीगल ट्रैप के बीच में ना आ जाए। तो ये सारे जो स्टेप्स सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रखे जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो नजर आता है। ठीक है, सुधार नजर आता है। भूम सिंह जी, क्या लगता है आपको कि इस तरह से सरकार कोशिशें कर रही है, साथ ही इन कोशिशों के साथ कोशिशें ये भी की जाएं कि सुरक्षा भी दी जाए, तो बेटियों का जो आंकड़ा है, लिंगानुपात का जो आंकड़ा है, उसमें इजाफा हो सकता है? और पहले तो मैं यही बात कहता हूं कि नीलम जी अभी कह रहे थे कि जब स्वास्थ्य मंत्री ने अनिल विज ने माना है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों में गड़बड़ी हुई है जी, अगर वो जिम्मेवारी से कह रहे हैं, नहीं उस वक्त रजिस्ट्रेशन की दिक्कत रही, हाँ, जो लड़कों का जाए हुआ उसका कहीं ना कहीं, ये बात आप देख लेना, कहीं ना कहीं देर सवेर ये बात निकल के आएगी कि इसमें भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी बातें बढ़ा चढ़ा के करने की, अब इतने बड़े बड़े होर्डिंग, इतना खर्चा उसके ऊपर कर रहे हैं, आप कहीं पे भी वो क्या दीवारों पे लिखने से कौन कितना वो रहे, परंतु इस बात में जो बेटियों की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, वो हमें ग्राउंड के ऊपर बताएं भी कहां पे, नीलम जी बताएं कि भी ग्राउंड पे क्या हुआ है, हम क्या बताएं किस तरह कहां वो हुए, नीलम जी छोटा सा जी देखिए
अभी भूम सिंह जी ने कहा कि दीवारों पे लिखने से कुछ नहीं होता, एक एक छोटी सी बात है कि अगर हमें कोई सी किसी चीज का प्रचार प्रसार करना होता है तो हम वो लोकेशंस ढूंढते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों में वो चीज आए, दीवारों पे दिखाई दे। सरकार के दौरान जो एडवर्टाइज लिखा गया होगा, हाँ, जो एक एडवर्टाइजमेंट है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब भी हम सोसाइटी में किसी तरह का चेंज लाना चाहते हैं। जितना आप एडवर्टाइज करेंगे लोगों में अवेयरनेस होगी, वो उस तरफ की जानकारी का फिर फायदा उठाते हैं। तो आप देखिए जैसे 1986 के आसपास प्रैक्टिकल रूप से भी कुछ हो ना, तो अब ये आंकड़े वो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स ही तो आपको दिखा रहे हैं एक एक पॉइंट का। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जी अभी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, हम दोबारा पिछले साल की हमने बात की, अनिल आरजी क्या अभी गुंजाइश बची है कि आंकड़ों में किसी तरह का फर्जीवाड़ा हो सकता है, हालांकि ऑनलाइन होने का हवाला बीजेपी की ओर से। ज्योति जी, आंकड़ों की बाजीगरी तो सभी सरकारें करती आई हैं, वो पेश करने का एक तरीका होता है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें साल दो साल पहले सामने आई थी, इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता कि अब हो पाएंगी। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं अब, हाँ। लेकिन आंकड़ों का तो कहा जा सकता है, क्योंकि जो सही मूल आंकड़े आते हैं वो 10 साल के बाद आते हैं जब पूरी जनगणना होती है। ये आंकड़े जो हैं ऐसे स्तर या प्राइमरी सोर्सेज से इकट्ठे किए जाते हैं जहाँ गड़बड़ी होने की गुंजाइश रहती है। कुछ अधिकारी अपनी पीठ थपथपाने के लिए या शाबाशी लेने के लिए भी इस तरह के आंकड़े पेश कर देते हैं, तो गुंजाइश तो है इस तरह की, लेकिन जिस तरह की मॉनिटरिंग अब की जा रही है मुझे लगता नहीं कि इस तरह की घटनाएं इस समय हो सकती हैं। बिल्कुल राजवंती जी, बेहद करीब से आपने चीजों को देखा है, आपने सरकार की कौन कौन सी वो कोशिशें देखी जिनसे जनता को जागरूक किया गया, जिनसे मानसिकता में परिवर्तन देखा गया? मुझे ये लगता है कि जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, परिवर्तन में सरकार सबसे बड़ा सोर्स होती है जी, सबसे बड़ा माध्यम होती है, सबसे बड़ा कारक होती है, और ये डेफिनेटली हमें सरकार को क्रेडिट देना ही होगा। लेकिन ये नहीं है कि इसी सरकार में एक सबसे बड़ा कदम होता है जो सबसे पहले शुरू किया, मैंने उस प्लान को जो थी नहीं, हाँ। उसको उगाना वो भी अपने आप में एक कदम है, वो ठीक है, सतत चलती रही है, लेकिन हाँ अब जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कितना प्रभावी है और अच्छा है, ये इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा है, उसकी मॉनिटरिंग भी अच्छी है, और उसका प्रचार प्रसार चाहे दीवारों पे, दीवार पे कोई भी इबारत लिखी होगी तो उसको हर कोई पढ़ेगा, और शायद आजकल हमारी जब एजुकेशन और ये हम एक मानसिक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम मानसिकता हमारी बदल रही है पिछले कुछ सालों में, तो इबारत भी हमें एक आदेश का ही काम करती है, तो वो भी प्रचार प्रसार भी इसमें। देखिए दो आंकड़े सामने आए हैं, एक आंकड़े वो हैं जो 2017 की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हैं, लिंगानुपात के हैं, दूसरे आंकड़े वो हैं जो 2016 के एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि हरियाणा में 2016 में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा। क्या लगता है पहले जो आंकड़े हैं लिंगानुपात में सुधार के, वो दूसरे वाले आंकड़ों को छिपा सकते हैं कि हावी हो सकते हैं कि बेटियां कम से कम बच रही हैं? देखिए मतलब आंकड़ों में फर्क तो है, ये तो मैं कह ही चुकी हूँ, चलो भी मतलब हर सर, वही मैं पहले वो बात को दोहराऊंगी दोबारा कि वही हर सरकार को नहीं, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं 2016 के उनकी मैंने बात कही कि महिलाओं के प्रति हरियाणा में अपराध अच्छा, बढ़ा, अपराध की बात कर, जी, अच्छा। दूसरे आंकड़े वो है जो लिंगानुपात में सुधार बताते हैं। देखिए जो मतलब आंकड़ों में जो हत्याचार लेडीज पे हुई है हुए और जो बेटी बचाने की बात है, ये दोनों मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी सा है कि अगर मतलब अगर बेटी पैदा हो रही तो उनकी सुरक्षा को लेके भी हमें उतने ही अहम कदम उठाने पड़ेंगे, और मतलब एनसीआर में जो हम ले अभी भी ऐसे माहौल है, क्योंकि एनसीआर से हमारा आना जाना सबका ही है, और रोज ही हम खबरों में पढ़ते हैं कि एनसीआर अभी भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे रोज कोई ना कोई एक महिला से रोज मतलब मैं तो कहूँगी तीन चार ऐसी क्या 10-15 मतलब एनसीआर में घटना होती है, चाहे किसी भी बात के लिए। एनसीआर में के जो आंकड़े हैं वो आपकी सफलता या समाज की जो कामयाबी है उस पे ग्रहण के जैसे हैं कि 2016 में महिलाएं तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुरक्षित रहे हरियाणा में। देखिए मैं आपको कहा कि जिस तरह से पॉपुलेशन का विस्तार होता रहता है, हमारी जो जीवन का जो भागदौड़ है वो ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर रहता है, नहीं जनसंख्या बढ़ना कोई एक्सक्यूज हो सकता है क्या? एकमात्र फैक्टर हो सकता है, हमेशा एक चैलेंज रहता है सिस्टम और सरकार क्या करता है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी जिम्मेदारी भी सरकार की बढ़ेगी, स्पेशली फॉर वुमेन, उसके लिए हमने कितने सारे काम किए। 7 districts में तो वन स्टॉप सेंटर्स है, वन स्टॉप सेंटर्स मतलब आपको एक ही स्थान पर हर तरह की सुविधा है, मेडिकल भी है, लीगल भी है,
और किसी भी तरह की अगर आपको स्टे करना है, फूड एंड फाइनेंस सब कुछ आपको कुछ एक समय के लिए उपलब्ध है, उसके बाद आपको अगर उससे ज्यादा चाहिए तो वो भी उपलब्ध है। और उसमें भी अगर आप वो बच्चा अगर 18 साल से कम की उम्र की लड़की है तो हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है वो भी उसको सपोर्ट करता है। लड़कियों से दुष्कर्म के मामले सामने आ रखे हैं हरियाणा में। दो बातें हैं इसमें, जो आपने आंकड़े बताए हैं नेशनल क्राइम के वो तो हरियाणा सरकार के ऊपर बिल्कुल काले धब्बे की तरह है, लेकिन दो बातें हैं इसमें भी। एक तो ये है कि अवेयरनेस बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ेगी तो जो अगर छोटी से छोटी घटना जो लड़की खून का घूंट पीकर या परिवार वाले बेइज्जती के नाम पर उसको दबा देते थे, आज वो चीजें थानों तक आ रही हैं, प्रशासन तक पहुंच रही हैं। दूसरा रीजन ये है कि क्राइम भी बढ़ा है, अगर जनसंख्या बढ़ने से क्राइम बढ़ेगा इसका सीधा संबंध नहीं है, लेकिन संख्या तुलनात्मक रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि शायद बढ़ सकता है कुछ मामलों में, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जागरूकता के कारण ये जो आंकड़े हैं ये बढ़े हैं, लोग जागरूक हुए हैं और जागरूक होने के बाद में अपनी कानूनी सहायता के लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिस के पास, प्रशासन के पास जाने लगे हैं और परिवार के लोग भी उनको सहयोग करने लगे हैं। इसीलिए बहुत सारी सुविधाएं भी है ना, जैसे महिला पुलिस स्टेशन है, वन स्टॉप सेंटर्स है, ये सब चीजें उसमें मदद करती है, तो उनमें इतनी हिम्मत आती है, वहां पे उनको फैसिलिटीज मिलती है ना, एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हमें अपनी शिकायत वहां दर्ज करवा दी। राजेंद्र जी, आपका सुझाव सरकार को कि इस दिशा में बेहतर कर सकती हैं अगर यहां काम किया जाए? मेरा ये सुझाव है कि एक इसमें दो तीन चीजें हैं। हाँ। एक तो महिलाओं की जो हम बात करते हैं, चलो बेटी बचाओ और फिर पढ़ाओ और फिर सुरक्षा दो, सुरक्षा उसको स्वावलंबन उसके लिए बहुत जरूरी है, उसमें इतना आत्मनिर्भर या स्वावलंबन होना चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोच सके। हाँ। ये भी उसको इतना विश्वास भी उसमें पैदा करने की जरूरत है, आंकड़े जो भी कहते हों। और इसमें ये सही है कि जो ये अनिल ने कहा कि जागरूक हुई हैं। हाँ। जागरूक हुई हैं उसका बड़ा पहलू है कि वो सामने आने लगी हैं। तीसरा ये कि जो आजकल वर्किंग आवर्स हैं उसमें लड़कियां बहुत वर्किंग में बहुत आई हैं। हाँ। खास तौर से गुड़गांव का जिक्र कर रहे थे, गुड़गांव एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी हो चुका है जी। तो उसमें हरियाणा की ही नहीं, उसमें सारे देश से लड़कियां और आ रही हैं, तो वो सुरक्षा का बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और उसको सरकार को करना सुरक्षा दी जानी बेहद जरूरी है जी। शुक्रिया आपका, शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मुहिम है उसके मनोहर परिणाम आए हैं। 2017 में हरियाणा के करीब करीब 15 जिलों से, और साथ ही कई जिले ऐसे भी हैं जहां से अभी इसी तरह के आंकड़े जो है सामने आ सकते हैं, उस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं। तो अच्छी बात है कि मुहिम जो है वो रंग ला रही है, लेकिन बेटियों को सुरक्षा दी जानी वो भी बेहद जरूरी है। तो इसी को लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।